नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे शरीर में पड़े हुए गांठ के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आयुर्वेद में तो बहुत सरल तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर लोग कई तरीके की बात सोच बैठते हैं। डॉक्टर भी गांठ का कई तरह के टेस्ट करते हैं कैंसर का ट्यूमर समझकर। तो आज हम बताएंगे गांठ का सरल और कारगर घरेलू उपचार। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद का माने तो शरीर में पड़ा हुआ हर गांठ कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका ऑपरेशन कराते हैं तो इससे कैंसर हो सकता है। कई बार गांठ अगर पेट के निचले हिस्से में हो या जांघ पे हो तो लोग इसे हर्निया समझ बैठते हैं, पर मैं बताना चाहूँगी कि गांठ शरीर में चाहे किसी भी अंग में हो उसे बहुत ही सरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गांठ होता क्यों है। आजकल गांठ निकलने की तकलीफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रीजन है गलत खान पान और यम्नी सिस्टम का कमज़ोर होना। गांठ दवा के रिएक्शन तथा अंग्रेजी दवा ज़्यादा खाने के कारण भी होता है। चोट लगने के कारण भी कई बार गांठ हो जाते हैं, और अगर हमारे शरीर का बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो तो ये भी गांठ का बहुत बड़ा कारण होता है। अब जानते हैं इसका घरेलू उपचार। इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, जो मैं पतंजलि का ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो एलोवेरा के पत्तों का जेल भी ले सकते हैं, वो भी सही है। साथ ये एलोवेरा जेल है। साथ में हमें लेना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी में सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक है। इसमें 40 से भी अधिक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। आप एलोवेरा और हल्दी को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है। आपके बॉडी के जिस हिस्से पे गांठ है वहाँ पे ये पेस्ट को लगा करके अच्छे से कॉटन कपड़े से बांधकर रात भर के लिए रहने देना है। उसके बाद सुबह गुनगुने पानी से इसे धो लेना है। लगातार ऐसा करने से आपके गांठ के प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लगातार ऐसा करने से आप पाएंगे कि गांठ ठीक होकर ब्लड में मिल गए और कोई परेशानी भी नहीं होगी। ऐसा करने से आप महंगी अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। गांठ को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें, और मेरे चैनल को अब तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।